राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जिसकी चाकरी तैसा तिसे फल देत। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। कबीरा यह जग निर्धना, कबीरा यह जग निर्धना, ओ निर्धना निर्धना रे निर्धना। कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं को धनवंता तेहु जानियो, जाको राम नाम धन हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, राम भगत जग चारु प्रकारा, सुकृति नो चारु अनग उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनह सुकृति नो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भाव से भी जो भगवान का चिंतन स्मरण करता है, भगवान उसको भी उदार मानते हैं। आर्त भाव से दुख मिटाने के लिए भी भगवान की शरण ली और दुख मिट गया तो भगवान में विश्वास बढ़ जाता है और फिर अपने आप को आदमी भगवान के हवाले कर देता है, अपने आप को सौंप देता है, इसलिए वह उदार है। दुनिया की चीजों के लिए तो आर्त भाव से आक्रांत करते हैं, लेकिन चीजें हमको बचाने को नहीं आती, वे चीजें जड़ है, लेकिन भगवान हमको बचाने को आते हैं, क्योंकि वो चेतन है और हमारे अंतर में ही बैठे हैं। जो हम बाह्य सहारा, कूड़ कपट चोरी दगा फटका बेईमानी ये सहारा छोड़कर आर्त भाव से भगवान की उपासना अर्चना करते हैं तो भगवान हमारी अवश्य इच्छा पूरी करते हैं, और देर सवेर भगवान को हम अपना आपा दे देते हैं तो भगवान अपना आपा भी हमें दे देते हैं और जीव शिव एकत्व का अनुभव हो जाता है। जिज्ञासु भगवान का भजन करता है न संसारी दुख मिटाने के लिए, न संसारी उपलब्धि वस्तु नश्वर पाने के लिए, केवल भगवान को पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए जिज्ञासु भगवान का भजन करता है, उसको भी भगवान ने उदार कहा है। भगवान का भजन करने वाले जो जिज्ञासु लोग हैं उनमें गिनती कर सकते हैं हम लोग उद्धव की। उद्धव भगवान को स्नेह करते हैं, ऐहिक वस्तु नहीं चाहते भगवान से, भगवान को ही समझना चाहते पाना चाहते हैं। उद्धव जिज्ञासु भक्त है और सनत कुमार आदि ज्ञानी भक्त है। तो ज्ञानी भक्त तो भगवान बोलते हैं कि मेरा स्वरूप है, वह मेरा स्वरूप है, मैं उसका स्वरूप है। उदारा एवे सर्वे ज्ञानी मदरूपा, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है। काशी में कवि दंडी और कवि कालिदास दो मूर्धन्य कवि, अब उन दोनों में से श्रेष्ठ कवि कौन है? एक रुपए की दो अठन्नी, दो पचास पैसी, किसको श्रेष्ठ और किसको अश्रेष्ठ कहें? शास्त्रार्थ हो जाए, शास्त्रार्थ हो तो इनका निर्णायक कौन हो? आखिर बात उस नतीजे पे पहुंची कि दोनों कवि अपने इष्ट देवी सरस्वती माँ का आवाहन करें, सरस्वती माँ को प्रकट करें, और सरस्वती माँ जिनकी श्रेष्ठता कह दे वो श्रेष्ठ। कवियों की पहले उपासना की हुई थी, थोड़ी देर ध्यान भजन किया और मंत्र जप किया, माँ का आवाहन किया, सरस्वती प्रकट हो गई। कवि कालिदास ने पूछा कि माँ हम दो कवियों में श्रेष्ठ कौन है? माँ सरस्वती ने कहा कवि श्रेष्ठ दंडी ही न संशय। कालिदास जरा नाराज हो गए, अहम रंडे अहम रंडे अहम रंडे, मैं कौन हूँ रान, मैं कौन हूँ?
तो सरस्वती ने कहा त्वम तु मद्रूपा एवहि, त्वम तु मद्रूपा एवहि, त्वम तु मद्रूपा एवहि। कवियों में श्रेष्ठ तो दंडी है, लेकिन कालिदास तू तो मेरा स्वरूप है। जब मेरा स्वरूप है तो अपने आप कवियों से ऊपर सरस्वती का स्वरूप कालिदास हो गए। ऐसे ही मनुष्यों में श्रेष्ठ तो वे हैं जो भगवान का भजन लेत करते हैं आर्त भाव से, अर्थार्थी भाव से, जिज्ञासु भाव से, लेकिन ज्ञानी तो भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अखर नानक, ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। जे को जन्म मरण ते डरे साध जी ना की शरणी पड़े, जे को अपना दुख मिटावे साध जी ना की सेवा पावे। आजकल जन्म मरण का दुख मिटाने के लिए साधु की सेवा तो नहीं करते, लेकिन नाम करने के लिए भी साधु की सेवा करते, उनको भी धन्यवाद है। और पैसा इकट्ठा करने को भी साधु की सेवा कर लेते तभी भी धन्यवाद है, क्या करना, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, नारायण नारायण नारा। अगर छूट छाट न दे तो ऐसी गिराकी कहां मिलेगी फिर, नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। लेकिन अगर साधु की सेवा में एम होना चाहिए कि जन्म मरण का दुख मिटे, एम होना चाहिए भक्ति का रंग लग जाए, मिल जाए कोई पीर फकीर पहुंचा दे भव पार, तो बेड़ा पार हो जाए, निहाल हो जाए आदमी। तो परीक्षित पूछता है सुखदेव जी महाराज से कि वो पांडववंशी राजा को तो अहंकार था और उसको श्राप मिला, इसलिए हाथी की योनि हुई, लेकिन उस मगर ने कौन से पुण्य किए थे कि भगवान के हाथ से उसकी सदगति हुई। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हो नाम का गंधर्व जलाशय में स्नान कर रहा था, तैर रहा था, और अंदर ही अंदर गोताखोरों की नाई जलाशय में घूम रहा था। एक ऋषि बैठे थे जलाशय के किनारे, उनको स्नान करने की इच्छा हुई, वो थोड़े पानी में खड़े होकर स्नान कर रहे थे, सूर्य को अर्घ्य आदि दे रहे थे, और हुहु नाम के गंधर्व ने जैसे मच्छी पैर को पकड़ती है और मगर पैर को पकड़ता है, ऐसे उस ऋषि के पैर को पकड़ के डराने की कोशिश की उस हुहु नाम के गंधर्व ने। तो ऋषि ने कहा कि क्यों बेटा, तेरे को तो मगर होने का शौक है, साधु संत का आदर करने की बजाय उसको डराने की कोशिश करता है, जा तुझे मगर होने की खूब इच्छा है तो जा तू मगर ही बनेगा। तो वो दूसरे जन्म में मगर हुआ, उसने प्रायश्चित करके साधु की माफी मांगी, तो साधु ने कहा अच्छा तू मगर तो बना है, लेकिन फिर भी संत के चरण स्पर्श तो हुए हैं, संत का दर्शन तो हुआ है, वो साधु का दर्शन व्यर्थ नहीं जाएगा, साधारण मगर नहीं बनेगा, तू ऐसा मगर होगा कि तेरे को सदगति देने के लिए भगवान नारायण स्वयं आ जाएंगे। भगवान नारायण ने मगर को भी दर्शन दिए, गज को और ग्राह को दोनों को अपने दर्शन से पावन कर दिया। कहने का तात्पर्य है भाव अभाव को भाव अनगाल सहू, कैसे भी भगवान का जप तप ध्यान होता है वह कल्याण करता है। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि भगवान का भजन करने वाले लोग किसी के कंट्रोल में नहीं आते, यज्ञ का ध्वंस करो, भगवान का नाम लोक न ले सके, ऐसा राजदंड उन्होंने तैयार किया। यज्ञ ध्वंस, कीर्तन भजन सारा बंद, और भगवान को अपना शत्रु मानने वाला हिरण्यकश्यपु जब मंद्राचल पर्वत की तरफ तपस्या करने को गया तो इंद्रदेव घबराया कि ऐसे दुष्ट है, और दुष्ट फिर एकाग्र होगा तो